हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अभी एग्जाम आपका बिल्कुल पास है, तो आई होप अभी जस्ट रिवीजन का टाइम है ना, रिवीजन का टाइम है। तो जिन जिन टॉपिक्स में से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सभी को रिवाइज कर लेना आपने अच्छे से। तो देखिए, क्यूब एंड डाइसिस में से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो हमने क्यूब एंड डाइसिस को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजी टॉपिक है। यस, इजी टॉपिक है, तो इसको मिस नहीं करना किसी ने भी। अब आज की क्लास के अंदर ही आपके जो अगर छोटे मोटे कुछ डाउट्स हैं भी, कुछ लूप होल्स बचे हुए हैं आपके क्यूब एंड डाइसिस के, तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्यूब एंड डाइसिस के अंदर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करूंगी। देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्यूब एंड डाइसिस के अंदर। अब जैसे ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, डाइसिस के दो, देखिए, हाँ जी, डाइसिस गिवन है आपको। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि फोर के अपोजिट क्या आएगा। अब ये सेम ही डाइसिस के व्यूज है ना, एक सेम डाइस है, उसी के व्यूज आपको गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो ध्यान क्या रखना है आपने, मेनली जो ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। अब यहाँ पे देखो, एक डाइस के ऊपर जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं वो दैट इज 1, 2 एंड 3, और जो सेकंड वाली है उस पर क्या अपीयर हो रहा है, 3, 5 एंड 6, 3, 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखो, एक नंबर दोनों में कॉमन है, एक नंबर दोनों में कॉमन है, तो वहां से शुरू हो जाओ। आपको किस तरह से करना है, देखो इस वाली के अंदर ये कॉमन है 3, तो ऐसे लिखो 3, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 1, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले डाइस में आ जाओ, दूसरे वाले डाइस में देखो यहाँ पे क्या है, 3, दोनों में कॉमन था, ठीक है। अब इधर क्या है, 5, ओके, और इधर क्या है हमारे पास में, 6, क्लियर। अब इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि 1 के अपोजिट क्या है, 5 है, 2 के अपोजिट क्या है, 6 है। अब 3 रह गया हमारा, ठीक है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, जो रिमेनिंग रहेगा। अब रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया आपका यहाँ पे, हाँ जी, रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया, 4 रह गया। दैट मीन्स कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा हमारे पास में, 4 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर के अंदर, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो 3 के अपोजिट क्या रहेगा, 4, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यही तो है क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट टू द फेस 4। तो 4 के अपोजिट क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया, सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे सभी, बिल्कुल इजी है। आप देखो, एक ही आता है आपके पास में कंसेप्ट, एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से। देखो क्या है, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द कंटेनिंग 5 पॉइंट्स, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स है ना, उसके अपोजिट आपको बताना है, क्या बताना है, 5 पॉइंट्स के। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, हमने ये देखना है कि हमारे पास में जो कॉमन है, कॉमन एक पॉइंट आ रहा है या 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। 2 पॉइंट्स मीन्स कि कोई भी दो नंबर्स कॉमन है या एक नंबर कॉमन है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबरिंग की फॉर्म में हो, डाटा कैसे भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है। अभी पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2, 4, 1, क्लियर, हाँ जी, इधर 2, 1 मीन्स 2 और 1 इसमें भी है, 2 और 1 इसमें भी है, दोनों में है, मीन्स कि दो पॉइंट्स हमारे कॉमन है, कॉमन है, एक ये साइड कॉमन है और एक ये वाली साइड कॉमन है। अब रिमेनिंग क्या रह गया, ये 5 रह गया और ये 4 रह गया। मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग इज अपोजिट टू द रिमेनिंग ऑफ द सेकेंड वन। दैट मीन्स कि जो 5 है, 5 के अपोजिट क्या आएगा आपके पास में, 4 आएगा, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ गया, सिंपल। हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट, बिल्कुल सिंपल है। क्या था, क्या कंसेप्ट बताया मैंने, अगर आपके पास में एक एक जो फेस है, ठीक है ना, वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप चलोगे, ठीक है, और वहां से हम अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 2 पॉइंट्स कॉमन है, इन दैट केस क्या करोगे, जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग के अपोजिट रहेगा, क्लियर। और एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी जो हमें फेसेस दिखाई दे रहे वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि 1 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ओके। चलो अब ये देखो, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यस, 3 पोजीशंस गिवन है, 3 पोजीशंस गिवन है, देखो। और क्या पूछा गया आपसे कि अल्फाबेट बी के अपोजिट क्या रहेगा, अल्फाबेट बी के अपोजिट क्या रहेगा, हाँ जी देखो। अब यहाँ पे देखो, आप कोई भी उठा लो,
तीन डाइसिस के आपके पास में जो डाइस है उसके तीन पोजीशन गिवन है, कोई भी पोजीशन आप पिक कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर मैं इनको दोनों को पिक करती हूँ, इन दोनों को अगर हम पिक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकल रहा है। यहाँ पे देखो एफ कॉमन है, दोनों के अंदर क्या है हमारे पास में, एफ कॉमन है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने एफ से स्टार्ट करना है। अभी मैंने बताया था ना एफ, एफ से ये आया डी, डी से फिर हम क्लॉकवाइज गए हैं तो क्या आ गया हमारे पास में, ए आ गया, ठीक है। एफ डी और ए, ये आया हमारे पास क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसके अंदर एफ से, हाँ जी, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या आया सी, फिर क्लॉकवाइज हम चले, क्या आ गया हमारे पास में, ई आ गया। दैट मीन्स व्हाट, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही सिखाया मैंने आप लोगों को। अब रिमेनिंग क्या रह गया, एफ, एफ के अपोजिट फिर क्या होगा, क्या नहीं है, ए आ गया आपके पास में, बी रह गया, है ना। दैट मीन्स कि इसके अपोजिट क्या हो गया, बी। तो बी के अपोजिट क्या आ गया आपके पास, एफ, सिंपल। हाँ जी बताओ, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, ओके, यस। इन दोनों से भी फाइंड आउट कर सकते थे, कर सकते थे, यस। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरह से अगर आ गया तो अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास नंबरिंग आएगी, हमारे पास एबीसी आ सकता है, हमारे पास में कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ओके। अभी जो 2008 में आया था उसमें सिंबल्स आए, सॉरी 18 के अंदर क्या सिंबल्स आए हुए थे ना, और उस पर 5 questions थे आपके। अब यहाँ पे देखो क्या, रेफर टू द फॉलोइंग 4 positions ऑफ द डाइस एंड फाइंड आउट द कलर विच इज अपोजिट फेस ऑफ ग्रे, ग्रे के अपोजिट आपको बताना है, ग्रे के अपोजिट आपको बताना है। अब जरूरी नहीं है कि हाँ जी एकदम से माइंड में क्लिक करें कि मैं इन दोनों को लूँ, इन दोनों को लूँ, इन दोनों को लूँ, कोई भी ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं देखती हूँ, हाँ जी, अगर इन दोनों को देखें तो हमें इन दोनों से क्या मिल रहा है, अगर इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है, देखो ग्रे यहाँ पे है, ग्रे यहाँ पे है, ठीक है, हाँ जी, और क्या है, पिंक है। मीन्स यहाँ से हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकला है कि जो ग्रीन है, ग्रीन के अपोजिट क्या है, ब्राउन है। ग्रीन के अपोजिट क्या है हमारे पास में, ब्राउन है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाला लेते हो, ये वाला लेते हो, तो इसके अंदर देखो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में। यहाँ पे देखो एक है हमारे पास में ग्रे, ग्रीन, अब यहाँ पे देखो ये ग्रे है और ये ग्रे, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बल्कि यहाँ से हमारे सारे कंक्लूजन निकल जाएंगे कि हाँ जी किसके अपोजिट क्या है, सिर्फ इन दोनों से। कैसे, वही मेथड, ग्रे ग्रे से जाएंगे बेटा, ग्रीन ग्रे, ग्रीन, ये ग्रे है, ग्रे से ग्रीन और ग्रीन से पर्पल, ओके। और यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या है, ग्रे, ग्रे से ब्राउन और ब्राउन से पिंक। मींस क्या कंक्लूजन निकला, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, यही पहले भी निकल चुका था, ठीक है। बट ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ग्रे के अपोजिट बताओ। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ग्रे के अपोजिट क्या आएगा, जो रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग कौन सा कलर रह गया इसके अंदर, हाँ जी, अभी सभी से हम देखेंगे कि एक कलर और होना चाहिए, टोटल यहाँ पे हमारे पास में 6 colors होने चाहिए, तो जो 6th color है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखो जो 6th color हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है, कौन सा है, गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर रिमेनिंग कलर है। दैट मीन्स कि ग्रे के अपोजिट क्या आएगा, गोल्डन। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन फर्स्ट, गोल्डन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, कोई भी डाउट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम सिंगल लेते हैं तो वहां पे जो आपका कॉमन है उसके अपोजिट कौन सा जाएगा, जो रिमेनिंग है, क्या है, रिमेनिंग है, ओके। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास में ओपन डाइस, ओपन डाइस भी आ सकती है एग्जाम के अंदर। अब है तो ये डाइस बट ओपन है, ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्ड टू फॉर्म ए क्यूब, क्यूब की फॉर्म में जब हम इसको फोल्ड करेंगे, देन द फेस अपोजिट टू द फेस
टू, टू के अपोजिट कौन सा आएगा, टू के अपोजिट फेस कौन सा बनेगा। तो बिल्कुल ईजी होती है ओपन डाइस, ओपन डाइस को देख के घबराना नहीं है। क्या होता है आपके पास में, देखो एक को छोड़ के थर्ड पे आना है, एक को छोड़ के थर्ड पे आना है, ये ध्यान देखना है, ठीक है। वो उसका अपोजिट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो साथ में टच है वो तो अपोजिट हो ही नहीं सकता ना। अब ये वन है, वन ये सिक्स के साथ में भी है, वन थ्री के साथ में भी है, तो ये वन और सिक्स के जो वन है वो सिक्स और थ्री का अपोजिट तो हो नहीं सकता, ठीक है। वो तो एडजेसेंट साइड बनेगी जब आप उसको कंबाइन करोगे, ठीक है ना, जब उसको आप क्यूब बनाओगे तो उस टाइम पे वो उसकी एक एडजेसेंट साइड होगी। दैट मीन्स कि ये हमारे पास में अपोजिट आ गया। क्या अपोजिट आया, कि जो सिक्स है सिक्स के अपोजिट आएगा बेटा थ्री, ओके। सेम वे अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो फोर के अपोजिट टू तो हो नहीं सकता, फोर के अपोजिट क्या आएगा फाइव, तो फोर के अपोजिट मुझे क्या मिल गया फाइव। अब क्या उठाएंगे रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग क्या है इसमें वन, तो वन के अपोजिट क्या आएगा इसका रिमेनिंग, इसका रिमेनिंग क्या है टू। क्लियर, हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी डाउट। अब हमारे पास में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि जी सिक्स का अपोजिट बताओ, थ्री का अपोजिट बताओ, फोर का अपोजिट क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, टू के अपोजिट फेस कौन सा है, तो टू के अपोजिट क्या है वन है, सो आंसर विल बी वन। क्लियर, आगे देखिए, एक आपके पास में अगेन ओपन डाइस गिवन है, ओपन डाइस गिवन है। अब ओपन डाइस के अंदर अब इसमें भी हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के अपोजिट आपसे फेस पूछा जा सकता है कि इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या ध्यान देना है, जब इस तरह की शेप आ रही है तो उसमें भी यही ध्यान देना है कि जो साथ में एडजेसेंट है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं सिक्स लूँ तो सिक्स के अपोजिट टू तो जाएगा नहीं, क्या आ गया फाइव, ठीक है, और टू के अपोजिट क्या जाएगा फोर, थ्री के अपोजिट क्या जाएगा वन, डन, क्या आ गया, समझ आ गया। क्या कहा मैंने, सिक्स के अपोजिट होगा आपका फाइव, टू के अपोजिट होगा फोर, एंड थ्री के अपोजिट हो जाएगा वन। एंड द क्वेश्चन इज कि टू के अपोजिट क्या है, तो टू के अपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास में फोर, सो आंसर विल बी फोर। हाँ जी क्लियर, कोई डाउट, यस। नेक्स्ट देखिए, अगेन ओपन डाइस है आपके पास में, ओपन डाइस गिवन है, क्या है, व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब देन द फेस अपोजिट टू द फेस ई, ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो अगेन, अभी मैंने क्या बताया आपको, वन जो बीच का है ना उसको स्किप करना, ध्यान रखना, ये वन ए है, ए के बीच का क्या था ई, ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता, उससे जो नेक्स्ट है दैट विल बी अपोजिट टू ई, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या है, आई था, तो ए के अपोजिट क्या हो गया आपके पास आई, ठीक है। इसी तरह से ओ के अपोजिट हो जाएगा आपके पास पी, हेयर द रिमेनिंग लेटर इज ई एंड हेयर इट इज जी, दैट मीन्स व्हाट, कि ई के अपोजिट क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट कर रहा था, ई के अपोजिट क्या है जी, तो आंसर क्या आ गया जी। आई होप क्लियर है, क्लियर है। देखो क्या है हमारे पास में, ए है, ए के अपोजिट क्या आ गया आई, ओके okay. इस तरह से ओ के अपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास में पी, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास में क्या रह गया, ई, ई के अपोजिट क्या आ जाएगा, डन। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी अगेन सेम टाइप है, ओपन आपके पास में गिवन है, हाँ जी ओपन डाइस गिवन है, जब हम इसको फॉर्म क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ कि सिक्स के अपोजिट क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, सिक्स के अपोजिट, टू के अपोजिट, फोर के अपोजिट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल है, कभी भी ऐसे नहीं कर रहा, कई बार ना जिसने नहीं कर रखा वो क्या सोचेगा कि हाँ जी इसको इसके अपोजिट कर देता हूँ, इसको इसके अपोजिट कर देते, इसको इसके अपोजिट कर देते, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना इसके अपोजिट आएगा आपके पास में ये, ठीक है, इसके अपोजिट आएगा, दैट मीन्स कि सिक्स के अपोजिट होगा फोर, फाइव के अपोजिट आएगा थ्री, जो रिमेनिंग है रिमेनिंग के अपोजिट आएगा, ठीक है। तो सिक्स के अपोजिट क्या आएगा फोर, सो फोर विल बी द करेक्ट आंसर, फोर विल बी द करेक्ट आंसर, बताइए क्लियर है। अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, डाइस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यूब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यूब पे क्वेश्चन आ जाते हैं, डाइस पे क्वेश्चन आ जाते हैं,
बिल्कुल इजी, अब आपने देखा बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है किसी ने भी, किसी ने नहीं छोड़ना। सिर्फ अगर इस वीडियो को ही आप अगर बिल्कुल स्टार्ट कभी भी नहीं किया है ना, तो इस वीडियो को दो बार देख लेना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको पहले थोड़ा सा किया हुआ है तो एक बार में ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली कर लोगे आप, ओके। हाँ जी बताइए, बिल्कुल क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने पास में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, क्या कि आपके पास में एक ओपन डाइस गिवन है, ओपन डाइस गिवन है, कह रहे कि जब हम इसको बॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ कौन कौन से शेप्स बन सकती है। ये हो सकता है उसके अलग अलग, आपके पास में जो क्यूब बनेगा वो तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा बॉक्स तो, ठीक है, बट उसके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे उसके व्यूज गिवन है, अलग अलग व्यूज गिवन है आपके पास में। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ जी बताओ कि कौन कौन से व्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमने, कि ये चेक करना है कि कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस आएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, अभी मैंने आपको बताया इसके अपोजिट क्या जाएगा, ये जाएगा, ठीक है, इसी तरह से इसके अपोजिट क्या जाएगा, ये जाएगा, और इस वाली साइड के अपोजिट जाएगा ये। मीन्स वट, ब्लैंक, एक ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा आपके पास में, प्लस साइन होगा, ठीक है, और दूसरे ब्लैंक के अपोजिट आपके पास में क्या होगा, ब्लैंक ही होगा, ठीक है, और तीसरा क्या है, ये वाली जो शेप है, तीसरी वाली जो शेप थी वो जो इस तरह की शेप है आपकी, इसके अपोजिट जो भी अपनी दूसरी शेप है ये वाली आ जाएगी, डन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, यह कैसे पता चलेगा कि हमें पता है कि जो अपोजिट आ रहा है ना वो एडजेसेंट नहीं हो सकता, जो अपोजिट आ रहा है वो हमें एडजेसेंट नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ब्लैंक के अपोजिट एक ब्लैंक है, मीन्स कि ब्लैंक ब्लैंक साथ नहीं आ सकते, दो ब्लैंक साथ नहीं आ सकते, बट वो जो तीसरे वाला ब्लैंक है वो तो साथ में आ सकता है, जो तीसरे वाला ब्लैंक है वो तो साथ में आ सकता है, दैट मीन्स कि ये तो हो सकता है। हाँ जी बताइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये हो सकता है ए या नहीं हो सकता, हो सकता है। देखो ये वाला जो ब्लैंक है, एक ब्लैंक एक के अपोजिट नहीं आ सकता, बट ये वाला जो ब्लैंक है वो इसके अपोजिट तो आ सकता है ना, ठीक है, दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लैंक है इसके पीछे दूसरा ब्लैंक हो, इसके पीछे दूसरा ब्लैंक हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर कि हाँ जी इसके पीछे दूसरा ब्लैंक हो, ठीक है। अब देखो इसके नीचे ये वाला जो है, ये वाला जो ब्लैंक है इसके नीचे प्लस का साइन हो, और इसके पीछे जो हमारी हाफ फील्ड शेप है वो हो, दैट मीन्स कि फर्स्ट वाला हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे के अंदर क्या कह रहा है, हाँ जी एक ब्लैंक है, एक ब्लैंक है आपके पास में ये, और एक ब्लैंक यहाँ पे गिवन है, इसमें क्या है कि एक जो प्लस है, अब ये जो प्लस है हमारे पास में ब्लैंक कितने, ब्लैंक हमारे पास में शेप तीन है, तीन ब्लॉक ब्लैंक है, ठीक है, दैट मीन्स वट कि यहाँ से आपके पास में ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन के नीचे एक ब्लैंक हो सकता है, प्लस साइन के नीचे एक ब्लैंक हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके पीछे क्या है, एक ब्लैंक है, ठीक है। अब अगर इसके पीछे एक ब्लैंक है, तो अगर इसके पीछे एक ब्लैंक है उसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो इधर वाली जो साइड है और वो जो इधर वाली साइड है वो दोनों आपस में एडजेसेंट होंगी, ठीक है ना, या फिर अगर इसके पीछे एक ब्लैंक है तो वो इसके साथ में टच हो जाएगा, वो तो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि जो सेकंड वाला है ये तो नहीं हो सकता, सेकंड वाली शेप तो नहीं हो सकती, क्लियर, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। अब देखो थर्ड वाला देखें अगर हम, तो थर्ड वाले के अंदर ये जो है ऐसा हो सकता है अपने पास में इसके अपोजिट दूसरा हाफ ब्लैंक होगा, बिल्कुल हो सकता है, हाँ जी इस ब्लैंक के अपोजिट दूसरा ब्लैंक हो सकता है, और इस ब्लैंक के अपोजिट प्लस का साइन हो सकता है, दैट मीन्स कि ये हो सकती है सेम। देन अब फोर्थ को चेक करते, बिल्कुल आराम आराम से बता रही हूँ मैं आपको कि हाँ जी आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी ये दोनों जो साइड्स हैं ये तो अपोजिट हैं, जब अपोजिट है दैट मीन्स कि एडजेसेंट नहीं आ सकते, एडजेसेंट नहीं आ सकती दैट मीन्स कि ये वाली शेप नहीं हो सकती, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ए एंड सी ओनली, क्या आएगा, ए एंड सी ओनली। हाँ जी बताओ कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट है कंसेप्ट आपके पास में क्यूब का, क्यूब का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्यूब पे हर बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है,
और क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं कि एक आपके पास में बिगर क्यूब गिवन है और उस क्यूब को डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है वो स्मॉलर क्यूब्स के अंदर ऑफ इक्वल साइजेस, ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक क्यूब है, ठीक है, जैसे हम डाइस खेलते हैं वही वाले या सेम। अब हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि एक आपके पास में इस तरह से क्यूब गिवन है और उस क्यूब को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया। मान लो मैं कह रही हूँ कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और इसको 3 ऐसे कट कर दिया, 3 ऐसे, दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स हमने इसको कट कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर मैं इसको कट करती हूँ तो बताओ टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, दिस में बी द क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास में कि हाँ जी, ये सारे के सारे कलर्ड है। अब ये बताओ कि कितने क्यूब ऐसे होंगे जिसके अंदर 3 कलर्स होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके अंदर 2 कलर्स होंगे, ठीक है, हाँ जी, 2 साइडेड कलर्स होंगी। कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसकी 1 साइड कलर्ड होगी, ठीक है, और कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर कोई कलर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको एक बार कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये मेरी पूरी की पूरी कलर्ड है, दोनों सेम है, पूरी की पूरी कलर्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 3 साइडेड कलर्स होनी चाहिए, तो 3 साइडेड कलर कौन सी होंगी, ये जो कॉर्नर वाली साइड है, ठीक है, अब ये वाली साइड कलर्ड है, ये वाली साइड कलर्ड है, ये वाली कलर्ड। अब इससे अगर हम बैक साइड देखें तो अंदर की साइड से थोड़ी ना कर पेंट कर रखा है, बाहर भारी वाली साइड से कलर्ड होंगी, दैट मीन्स कि ये जो कॉर्नर वाला हमारा क्यूब बनेगा उसके अंदर 3 साइड्स कलर्ड होंगी, ठीक है। सेम वे ये वाला जो है, ये यहाँ से हमें नहीं दिखाई दे रहा, बट बैक साइड में तो इसी तरह से होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि इधर वाले कॉर्नर वाले के अंदर भी 3 कलर होंगे, इधर वाले कॉर्नर वाले में भी 3 कलर होंगे, और इधर वाले कॉर्नर वाले में भी 3 कलर होंगे, दैट मीन्स कितने हो गए, 4। इसी तरह से नीचे यहाँ पे भी कितने हो गए, 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 ऐसे क्यूब्स बनेंगे जिसके अंदर 3 साइडेड कलर्स होंगे, ठीक है। किस केस के अंदर कर रहे हैं हम, जब उसको 3 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। अब मैंने ये अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो बिगर क्यूब है दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड ईच, हर एक साइड उसकी कितनी 3 3 सेंटीमीटर की, और जिसको हम कट कर रहे हैं उसकी 1 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने उसको कट कर दिया, ठीक है। तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे आपके पास में, हाँ जी, 3 रेज टू पावर 3 27 बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट था, मैंने अभी क्या बताया कि 3 साइडेड उसकी कलर्स होंगी, 3 फेस किसके कलर्ड होंगे, तो 3 फेस कलर्ड होंगे, तो वो कितने बनेंगे आपके पास में, 8। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना जी बेटा, कितने मर्जी पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर लो, अब यहाँ पे हमारे टोटल 23 बन रहे, ऐसा भी हो सकता है 64 बने, 4 साइडेड और 1 1 सेंटीमीटर का आपको कट करना हो, तो उस केस के अंदर कितने बने। तो हर केस के अंदर एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि 3 फेस कलर्ड होने चाहिए, तो 3 फेस कलर्ड के अंदर हमेशा आंसर 8 आएगा। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कुछ वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा ये कॉर्नर वाला लूँ मैं, ये साइड वाला लूँ, कौन सा लूँ, कुछ नहीं दिमाग लगाना, सिंपल आंसर 8 कर देना, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह से अगर 2 साइडेड वाले अगर मैं देखूँ, 2 कलर्ड देखें हम कि 2 कलर्स वाले, तो अब देखो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, इसके ऊपर दो कलर होंगे। इसी तरह से इधर वाला जो बीच वाला होगा उसके ऊपर भी 2 कलर्स होंगे, उसके ऊपर भी हमारे पास में 2 कलर्स होंगे। और इसी तरह से अगर मैं देखूँ, हाँ जी, इसी साइड से ये इधर देखेंगे तो भी आपके पास में 2 कलर होंगे, तो भी आपके पास में कितने कलर्स होंगे, 2 कलर्स होंगे, ठीक है, हाँ जी। इसी तरह से अगर ये वाला देखें तो भी 2 कलर्स होंगे, समझ रहे हो, दैट मीन्स कि अगर सिर्फ हम ऊपर से हम अगर उठाते हैं तो ये जो बीच वाले 1 2 3 4 कितने हो गए, 2 2 कलर हो गए, तो 4 ये हो गए आपके पास में, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाले अगर हम देखेंगे तो भी कितने हो जाएंगे आपके पास में, 4 हो जाएंगे, 4 4 कितने हो गए, 8। अब अगर हम देखते हैं बीच वाले, तो बीच वाले में से कौन सा जाएगा आपके पास में, हाँ जी, बीच वाले में से कितने जाएगा, ये वाला जाएगा, तो चारों साइड से अगर आप देखोगे तो 4 वो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, दैट मीन्स कि 2 कलर्ड अगर हम देखें, एट, ठीक है, 2 फेस अगर मैंने कलर्ड देखने हैं कितने आ जाएंगे यहाँ पे आपके पास में, 12 आ जाएंगे, बताओ कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट, ओके। अब ये हो गया 2 फेस वाले,
अब अगर मैंने देखना कि वन फेस कलर्ड है, हाँ जी, वन फेस कलर्ड वाला कौन सा बचेगा? हाँ जी, वन फेस अगर मैं कलर देखूं तो ये देखो, ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला है ना, अब इसके और तो बाकी की साइड्स दिखाई नहीं, जब इसको पेंट किया है तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला फेस एक कलर्ड रहेगा, ठीक है। और छह फेसेस हैं तो हर एक साइड के एक एक हो गया, तो कितने हो गए टोटल? सिक्स। कितने हो गए आपके पास में टोटल? सिक्स हो गए। अब देखो टोटल कितने रह गए आपके पास में, ये हो गए आपके पास में 26, और टोटल कितने बने थे आपके पास? 27। दैट मींस कि नो कलर मींस ऐसे जो बॉक्सेस बनेंगे जिसके कोई भी कलर नहीं होगा वो कितना रह जाएगा? वन मींस जो बीच, बिल्कुल जो मिड में है, जो बाहर है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसके अंदर तो कोई भी कलर नहीं होगा, तो वो कितना हो गया? वन। अब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं सॉल्व करने बैठना आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो थ्री का था, आपने इजीली कर लिया। वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास में जो क्यूब्स बन रहे हैं वो वन वन सेंटीमीटर के बन रहे हैं, टोटल जो बिगर क्यूब है दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का है और आपके वन वन सेंटीमीटर के क्यूब्स बन रहे हैं, 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स बना रहे हो, तो उस केस के अंदर आपकी जो वैल्यूज है वो कैलकुलेशन में ही आप उलझ के रह जाओगे। तो इस पे छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको आपने नोट डाउन करना है। क्या है देखो कि अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं तो कितना होएगा? एन क्यूब। कितना आएगा? एन क्यूब, क्लियर? हाँ जी। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ वन साइडेड कलर, जिसकी एक साइड कलर्ड होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एन माइनस 2^2 × 6, क्लियर। नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ टू साइडेड कलर, टू साइड जिनकी कलर्ड होगी, तो उसके लिए क्या है? एन माइनस 2 × 12, एन माइनस 2 × 12, ओके। नंबर ऑफ क्यूब्स थ्री साइडेड कलर, जिनकी थ्री साइडेड कलर्ड, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 8 आएगा, इसको ध्यान रखना, हमेशा आंसर क्या होगा आपका? 8 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ क्यूब्स नो कलर, कोई भी कलर नहीं है, तो क्या है? एन माइनस 2^3। तो अभी देखो हमने क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर क्या था? जो बिगर था, जो हमारे पास में बिगर क्यूब है उसकी साइड हमने क्या ली? 3 सेंटीमीटर। स्मॉल की जो साइड थी वो कितनी थी? 1। दैट मींस कि n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे? 3/1, दैट मींस कि 3। समझ आ गया? n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? 3 हो गया। अगर आपके पास में टोटल गिवन है तो क्यूब रूट करके n की रूट वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, डन। तो ये यहाँ पे टोटल कितने बने फिर? 3^3, 27, ओके। नंबर ऑफ क्यूब्स वन साइडेड, वन साइडेड कितने बने? n की वैल्यू क्या है बेटा? 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 6, 6, n माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 12, 12, थ्री साइडेड कलर्ड, ये तो 8 ही आएगा, और n वाला ये नो साइडेड, नो साइडेड मतलब कि 1^3, दैट मींस 1। इजी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल इजी हो गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे हम। देखो ये है अपने पास में क्वेश्चन, अभी क्या कहे? ए क्यूब हैविंग ए साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर साइड है उसकी, ठीक है, रेड ऑन ऑल द फेसेस एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। हर एक कितने कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, सो ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताने। तो अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? बिगर की साइड कितनी है? 6, ठीक है, स्मॉलर की साइड कितनी है? 2, दैट मीन्स कि एन की वैल्यू आ गई 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? थ्री रेज टू पावर 3। कितना हो गया आपके पास में? 27। बिल्कुल क्लियर है? क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 27, ओके। पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि n कितना है, मींस कि एक अगर हम देखें तो एक साइडेड से 3-3 पार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर पेंटेड इनटू ब्लू कलर, द क्यूब इज कट इनटू 64 इक्वल स्मॉलर क्यूब्स, मींस अब यहां पे टोटल क्यूब्स जो स्मॉलर थे वो 64 हैं। देन क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड, वन फेस कलर्ड, वन फेस कलर्ड का अभी हमने किया था, बताओ कितने होंगे? अब सबसे पहले मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n क्या हो जाएगा आपके पास में? टोटल कितने हैं? 64। इसका क्या करोगे? क्यूब रूट। कितना आ गया आपके पास में? 4 × 16 × 64, दैट मींस कि 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 4 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है?
हाँ जी, हमें फाइंड आउट करना है कि वन फेस कलर्ड कितना आ जाएगा आपके पास में। अभी हमने फॉर्मूला किया था, क्या था आपके पास में? यस, एन माइनस टू रेज टू पावर टू इंटू सिक्स, तो यहाँ पे क्या है, फोर, फोर माइनस टू टू, टू रेज टू पावर टू फोर, फोर इंटू सिक्स इज इक्वल टू 24। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 24। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, द सेम क्वेश्चन है, 64 इक्वल स्मॉलर क्यूब्स के अंदर उसको डिवाइड किया है, दैट मीन्स कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 4। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड, नो फेस कलर्ड, नो फेस कलर्ड का फॉर्मूला क्या था आपके पास में, n माइनस टू रेज टू पावर 3, मीन्स उसका क्यूब करना है ना, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, 4, 4 माइनस 2, 2, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स आंसर विल बी 8। अब बताओ यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर आप वैसे करोगे तो पहले क्यूब ड्रॉ करोगे, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं करना, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आई होप सभी को क्लियर है, तो क्यूब एंड डाइसिस को सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्यूब एंड डाइसिस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सभी ने एक क्वेश्चन तो ये मान के चलो आएगा ही आएगा, और बिल्कुल ईजी है सबसे बड़ी बात, एक तो ऐसा टॉपिक हो कि बहुत ज़्यादा टफ है तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यूब एंड डाइसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी टॉपिक है, इसलिए किसी ने भी स्किप नहीं करना इसको, ओके हाँ जी। तो बेटा जी अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो हेल्पफुल रही है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि एग्जाम पास में है, जितने लोगों तक वीडियो पहुंचे बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सभी के लिए। सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच।